तो आ गए दोस्तों, आप लोग आइए फिर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मॉरेटोरियम पीरियड के लिए जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसकी अगली सुनवाई 28 सितंबर 2020 को होनी है। उस सुनवाई में आपको बताया जाएगा कि लोन के ऊपर ईएमआई के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब ईएमआई में तो पहले से मूलधन प्लस ब्याज है और उसके ऊपर भी ब्याज लग रहा है, वो माफ़ होगा या नहीं होगा, उस पे ब्याज पे ऊपर ब्याज लगना सही है या नहीं सही है। ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है तो क्या उसको फिर से मॉरेटोरियम में शामिल किया जाएगा, अगले लिमिट उसकी बढ़ाई जाएगी भरने की या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कॉरपोरेट के 26 तरह के सेक्टर्स से है कॉरपोरेट्स के, जिनको 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए उनको लोन मॉरेटोरियम में छूट मिली हुई है और उनको बहुत सारा रिशेड्यूलिंग का प्लान भी चल रहा है कामर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक, कामर साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके। और इसी के मद्देनज़र कपिल सिब्बल साहब, राजीव मेहता साहब और कई तरह के और भी वकील जो हैं जिरह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट जी ने भी इसका संज्ञान लिया है कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज हम देख लेते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या राहत पहुंची है आपको, आम जनता को राहत पहुंची है दोस्तों। साथ ही देखेंगे सुप्रीम कोर्ट फायदेमंद, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा मॉरेटोरियम के ऊपर वो फायदेमंद होगा या नहीं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और क्यों सुनाया वो भी हम देखेंगे। मॉरेटोरियम का फायदा उठाने से लाभ होगा या नुकसान, तो क्या आरबीआई ने कोई राहत नहीं दी है दोस्तों, गोल घुमा फिरा कि ये बात चल रही है कि आरबीआई ने कोई राहत नहीं दी है, इसके ऊपर हम एक विशेष टिप्पणी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, देखने जैसा है दोस्तों और ध्यान रखने जैसी बातें हैं। ऊपर ऊपर से जा रही है बातें, लेकिन दोस्तों एक दूसरे से हम जब सुनते हैं तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से जाती है और जैसा वो अपने दिमाग से जो अच्छा लगता है वो बोलता है, मैं अपने दिमाग से जैसा अच्छा लगता है वो बोलता हूँ, लेकिन जो सही बात है वो हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर सही मसला क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाना, और हाँ दोस्तों वीडियो पूरा देखना, देखने के बाद वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक दूसरी बात बता दूं, अटल पेंशन योजना बहुत ही लाभदायक योजना है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई योजना है जनधन योजना के अंतर्गत। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर जाकर देखो, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, आप देखोगे तो आपके जीवन में इस तरह से लाभदायक ही होगा, उससे बढ़कर मुझे कुछ कहना नहीं है, जाके आप देखिए। फिलहाल हम वीडियो शुरू करते हैं मॉरेटोरियम के बारे में दोस्तों, मॉरेटोरियम से जो मैंने आपको बताया उसके बारे में। सबसे पहले आप समझ लीजिए दोस्तों कि मॉरेटोरियम है क्या। कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ, उसमें काम धंधे बंद हो, कई लोगों की नौकरियां चली गई, तब रिजर्व बैंक ने लोन मॉरेटोरियम की सुविधा दी थी, यानी लोन पर किस्तें जो थी, ईएमआई जो थी वो टाल दी गई थी। आरबीआई ने पहले 31 मई 2020 तक सभी टर्म लोन्स के ऊपर किस्तों पर मॉरेटोरियम दिया था, और उसके बाद 3 महीने और बढ़ाकर ये अवधि 31 अगस्त कर दिया गया, यानी 6 महीने तक किस्त नहीं चुकाई तो भी क्रेडिट स्कोर पर बेअसर रहेगा। आप देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, बोलोगे ये मुझे पता है कि आपको ये पता है, सबको पता है, मेरे जैसे आप भी हैं, आप जैसा मैं भी हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें मेन मुद्दा ये रहता है एक्सपर्ट की राय की तरफ, एक्सपर्ट की जो राय है उसके ये ली गई है दोस्तों। अगस्त में रिजर्व बैंक ने मॉरेटोरियम को और बढ़ाने में इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि यदि अब भी किसी को दिक्कत है तो वो लोन रिस्ट्रक्चर करा सकता है, ध्यान रहे बैंकों को भी इसके लिए छूट दे दी ताकि नए सिरे से किस्त चुकाने की प्रक्रिया तय हो सके। तो ये था लोन मॉरेटोरियम के क्या है उसके ऊपर संक्षिप्त नोट। अब देखते हैं दोस्तों मॉरेटोरियम का फायदा उठाना सही है या नहीं, तो इसके लिए बैंक बाजार के सीईओ आदिल सेट्टी जी का कहना है, यदि आपको कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है तो ये आपके लिए राहत की बात है। कौन सी राहत की बात है? मॉरेटोरियम का फायदा उठाना, लेकिन कर्जदारों को ध्यान में रखना चाहिए कि मॉरेटोरियम का लाभ उठाने से बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा। अब इन्होंने अपनी बात किस हिसाब से कही, जिस हिसाब से आरबीआई और सरकार ने अपनी बातें रखी सुप्रीम कोर्ट ने, उस हिसाब से आदिल सेट्टी जो कि सीईओ हैं इसके, बैंक बाजार के बहुत बड़ा मार्केट है उसके, उनका कहना है कि ये ब्याज पर ब्याज लगता रहेगा, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है और जिस पर राहत देने की बात चल रही है, छूट देने की बात चल रही है, लेकिन इनका मानना चलता रहता है। साथ ही इन्होंने कहा दोस्तों 3 महीने तक आपने किस्त नहीं चुकाई तो आपकी लोन चुकाने की अवधि 1 साल बढ़ जाएगी, मतलब अगर आपने 15 साल के लिए लोन लिया था तो 3 महीने किस्त नहीं चुकाई तो अब 16 साल चलता रहेगा। आप उसी हिसाब से लगा लो, जो छोटे मोटे लोन बोरोवर हैं, जिन छोटे मोटे लोन ले रखे हैं, हाउसिंग लोन है, कोई भी लोन है, फ्रिज लोन, एसी, रेफ्रिजरेटर, अगड़म सगड़म, बाइक, कार, स्कूटर, रिक्शा, सभी तरह के लोन हैं, उनकी अवधि किस तरह बढ़ेगी, कितना बड़ा फर्क आएगा वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तब, अगर हो सकता है
बैंक रिस्ट्रक्चरिंग में जो लोग बड़ी हुई अमाउंट है, हो सकता है वो आपके मूल अमाउंट में जोड़ के हर महीने में वसूल करे, ये भी हो सकता है। उनका कहना है कि यदि आपका लोन शुरुआती दौर में है तो आपके लिए आज की राहत कल की परेशानी बन जाएगी। ऐसे में यदि आपके पास किस्त चुकाने के सभी रास्ते ख़त्म हो गए तभी आप मोरेटोरियम का लाभ उठाए, वरना नहीं। ये क्लियर कट बताया है सेट्टी साहब ने, आदिल सेट्टी साहब जो कि उनके हेड हैं, सीईओ हैं। ठीक है, अगली बात देख लेते हैं दोस्तों। अगली बात मैंने इस कामर्स समिति की रिपोर्ट ने क्या सुझाया, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या आरबीआई ने कोई राहत नहीं दी। आरबीआई ने तो दोस्तों ऐसा कहना गलत होगा, आरबीआई ने लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति सभी बैंकों को दी है, लेकिन यह भी कहा है कि जिन लोन पर कोविड-19 की वजह से प्रभाव पड़ा है उन्हें ही 2 साल की अवधि बढ़ाकर रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी जाएगी, ये कोर्ट ने कहा है क्लियर कट। साथ ही कॉरपोरेट लोन को लेकर जैसे कि मैंने पहले बताया, रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन केवी कामत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी ताकि कर्जदारों को रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ देने के लिए शर्तें तय की जा सके, कानून बनाया जा सके। कोविड से 15,52,000 करोड़ रुपये का कर्ज तनाव में है, करीब 22,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही एनपीए में जाने की नौबत थी, यानी बैंकों ने जितना लोन दिया है उससे भी 72% खराब लोन की श्रेणी में होता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है भारत सरकार के लिए दोस्तों। अब देख लेते हैं हम कामत साहब की रिपोर्ट ने क्या सुझाया। कामत कमेटी की रिपोर्ट में आईसीआईसी के डायरेक्ट रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार कमेटी ने 26 सेक्टरों की पहचान की है, मैंने पहले ही बताया, जिनके लोन पर कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और इनके लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है। इस एक्सपर्ट कमेटी ने हर सेक्टर के लिए कॉरपोरेट में संबंधी रेशों की लिमिट तय की है, जैसे कि EBITDA, DSCR, करंट रेशियो, ADSCR आदि। इन कंपनियों की कमाई और लाभ में ताल्लुक रखते हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट फी किए जाएंगे जो मोरेटोरियम में इन्होंने लाभ उठाया इन सेक्टर्स में। साथ ही साथ दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि इन 26 सेक्टरों को कुल 37,00,000 करोड़ रुपए के लोन दिए, इनमें से 15-20% की रेंज में लोन रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, यानी 80-85% लोन रिस्ट्रक्चर नहीं हो पाएंगे। और यह कदम बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा है, वरना ज़्यादातर लोन एनपीए में डालने की नौबत आ जाती, कामत साहब की रिपोर्ट में ये कहा गया है। एक और है दोस्तों ट्विटर पे निखिल कुमार जी हैं, इन्होंने एक ये चलाया हुआ है, देखिए इनका किस तरह 15 साल का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 15 साल का लोन 16 साल में हो जाएगा, इन्होंने बताया, देखिए, लोन मोरेटोरियम टेकन बाय मी 4-5 months फ्रॉम होम क्रेडिट इन। इन्होंने कहा है कि मैंने 5 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम लिया था और 5 महीने के बाद अब लोन का टेन्योर बढ़कर 4 साल हो गया है, मतलब 48 महीने बढ़ गया है दोस्तों। ओरिजिनल टेन्योर कितने के लिए था, 45 महीने के लिए था और 93 महीने बढ़ गया है, आप देखने वाली बात है, मतलब 93 महीने टोटल हो गया। पहले इनका 48 महीने था, सॉरी दोस्तों, पहले इनका 45 महीने ही था लेकिन 48 महीने और बढ़ गया और टोटल अब इनके कितने हो गए, 93 महीने हो गए। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है दोस्तों और इन्होंने अपनी स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, आप देख लीजिए किस तरह से कितना खतरनाक होते जा रहा है। और ये पूरा स्क्रीनशॉट आप भी चाहो तो इनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जाकर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मोरेटोरियम एक्सटेंड करवाने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इसमें हिस्सा ले सको, अगर सही है तो, गलत है भारत सरकार के खिलाफ है तो हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। मोरेटोरियम एक्सटेंशन अंटिल 31 मार्च 2021 तक लोन मोरेटोरियम बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक पिटीशन डाली जाएगी, जिसके लिए इन्होंने अभियान चलाया है। अब ये सही है गलत ये जाकर इस लिंक पे देखो, ये इन्होंने ट्विटर हैंडल पे ये किया हुआ है दोस्तों प्रवीण के नाम से। उसके बाद विशाल तिवारी जी, इन्होंने दोस्तों मोरेटोरियम के बारे में लेख लिखा है कि मैटर जो है रिपोर्ट दी है कि मैटर 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया है, 28 सितंबर तक अगली सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहना यही है कि मोरेटोरियम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपने देख लिया, मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए देख लिया, मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाने से किस तरह लाभ होता है और किस तरह हानि हो सकती है ये भी आपने देख लिया। फिलहाल न्यूज़ को लाइक कर दो, न्यूज़ को शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।